वास्ते दिल शरम सार है, हमें माफ कर दे तू गफ्फार है, हमें माफ कर दे तू गफ्फार। बेशक यकीन का दोस्त करते
कि अल्लाह के हाथ हो उसे इन्नमा वलीयतुल्लाह रसूलहू फरमाया अल्लाह भी तुहाडा दोस्त है ते अल्लाह का रसूल भी तुहाडा दोस्त है। सुभान अल्लाह। हां जी मोहब्बत का क्या है? सुभान अल्लाह। अल्लाह भी तुहाडा दोस्त है ते अल्लाह का रसूल भी तुहाडा दोस्त है। मेरे दोस्त ने मुझे बोलते फिर कैसा बेनसीब इंसान है कि जिस इंसान को अल्लाह कह रहा है कि मैं तेरा दोस्त हूं देखो बंदा अल्लाह की दोस्ती में कबूल ना कर रहा। देखो ना असी कोशिश कर रहे हैं कि साडा वास्ता साडा ताल्लुक साडी दोस्ती किसी तरह बंदे ना हो जाए असी फखर करने यार फलान साढ़े इस इलाके का एम पी है जरा ना वो मेरा दोस्त है भाई फलान एम एल ए मेरा दोस्त है फलान इलाके का चौधरी जगह मेरा दोस्त है फलान डॉक्टर मेरा दोस्त है फलान जज मेरा दोस्त है। असी दुनिया के ये रिश्ते जो ने दुनिया दिया इन चीजा सामने रख दिया है असी समझने ये बड़े कमाल की बात है। मेरे दोस्तों ये सारिया दोस्तियां एक दिन मिल जाएगा। प्यारे नबी ने फरमाया कयामत वाले दिन दोस्त दोस्त बनना लिखता फिरेगा छिपता फिरेगा मुंह छुपाता फिरेगा। क्यों मुंह छुपाता फिरेगा? कितने दोस्त का पता लगेगा जिन्हों दिया दोस्तियां हराम दोस्तियां ने जिन्हों दिया दोस्तियां नाजायज दोस्तियां ने तो कियामत वाले दिन मुंह छुपाते फिरेंगे। अज दुनिया की जिंदगी के अंदर मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे की दोस्ती अगर कोई नाजायज दोस्ती है किसी बुरे बंदे के नाल दोस्ती हो किसी गलत बंदे के नाल दोस्ती हो फरमाया जो दुनिया दिया नाजायज दोस्तियां कल कयामत वाले दिन इंसान कहेगा है अफसोस मेरी खबर क्यों हो गई आले मशर के सामने मेरे सारे काम क्यों आ गए ये मेरिया करतूतों दुनिया के सामने आले मशर के सामने वखाइया जा रही ने कोई चीज छुपी नहीं रहेगी ये तेरिया अखा भी बोलनगियां ये तेरे आसा बोलेंगे ये तेरे पैर बोलेंगे क्या मता ने तुम फरमाया यौमन नख्तम अला अफवाहिहिम आज के दिन तेरी जुबान को ताला लग जाएगा वतुकल्लिमुना अयदीहिम फरमाया सजदा कलाम करके तुम्हारे हाथ वता शहादवार जुलूहुम वे फरमाया ये तुम्हारे पैर गवाहियां देंगे। आज दुनिया की जिंदगी के अंदर किसी ने रात की तनहाई के अंदर छुप छुप के मिलन वाला दिन की रोशनी के अंदर दुनिया जगह पे जान वाला रात की तारीखी के अंदर गलत जगह पे जान वाला आज दुनिया को वे छुप सकते लेकिन क्या मतलब दिनों की कोई बात छुपी नहीं है। फरमाया हर चीज सामने आ जाएगी वो जाते मजे फरिश्ते तोलेंगे हाथ पैर गवाया बोलेंगे ओ दो कभी मिसारे डोलेंगे सामने आ जाए कोई
जरा वो हौसला नहीं रहेगा, मगर वो लोग जिन्होंने अल्लाह को माफी मांग ली, इस्तग़फ़ार कर लिया, अल्लाह को राजी कर लिया, अल्लाह फरमाते ने मैं समझांगा इन्हें वो गुनाह कीता ही नहीं। सच्ची तौबा कर ली, मेरे सामने पेश होकर आ गया कि मैं अल्लाह की बात जाने फरमाया, आज अल्लाह की रहमत तेनों पुकार पुकार के कह रहे कि आ जा मेरे बंदे, पर दुनिया दिया दोस्तियां छड़ दे, अपने रब की बारगाह च खालिक़ कायनात ने फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे दोस्तों तुहाडे वास्ते पैगाम है, मेरे वास्ते पैगाम है, मेरे रब का इरशाद, रब्बे कायनात सादा परवरदिगार फरमा रहे हैं, सुने आप तुसी ऐलान फरमा दो, ऐ मेरे प्यारे नबी ऐलान फरमा दो, खुशखबरी दे दो मेरे बंदियां नूं, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम, फरमाया मेरे बंदियां नूं कह दो, ऐ मेरे बंदे जिन्हां अपनियां जानां ते ज़ुल्म कर रहे ने, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत तो ना उम्मीद ना हो जाओ, इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीया, बेशक ज्यादा काम बड़ा ही माफ करने वाला ते दोस्तों, मेरे दाद के कहते मेरे बंद
फरमाया तू मेरे नाल यारी बनाई लाई है ऐ मेरे बंदे देखो खुशखबरी है अगर मेरी बार बार चाहिए आया है तो गुनाहगार है तो नमाज पढ़ के फारिग है कब इतना मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलम ने हमें जमी फरमाया हुजूर ने फरमाया मेरे दरवाजे अपने नहर है इस नहर जो पांच मरतबा गुसल करे दस मेरे गुसल के नहर रह जाएगी सहाबा तक ने या रसूलल्लाह हर गिर नहीं वो जिसम पे नहर क्यों रहेगी जब पांच मरतबा गुसल करेगा मेरे नबी ने फरमाया नमाज अल्लाह की रहमत का दरिया है अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमाए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो ओ तू सरवानो सुनो फरमाया जब मेरा दिल करता है रब नाल गल्लां करां आगे खड़ा हो जाओ रब की बारगाह में अंदर करो कहना सुभान अल्लाह रबी हमदिका ऐ अल्लाह तेरी जात पाक है और तमाम तारीफें तेरे वास्ते है लिहाजा मैं ते गुनाहगार यकीन मिलो के तो लिहाजा बुरा कहने नहीं लिहाजा मैं ते नाफरमान मैं ते गुनाहगार पर तेरी जात पाक है अल्लाह फरमाते है मेरे बंदे इस यारी नु पक्का कर ले इस रिश्ते नु मजबूत कर ले इनु पक्का कर ले मैं तेनु भी गुनाहों तो पाक कर ले तेरी जात पाक है और सारिया सिफ़ता तेरे वास्ते वतबार कसमों का ऐला सारिया बरकतां तेरे नाम दिला दे वतबार कसमों का ऐला तेरा नाम दुनिया बरकतां वाला है ऐला मेरा नाम ते बदनाम है मेरा नाम ते बदनाम है मैं ते गुनाहगार पर तेरी बारगाह मेरे नाम का वजीफा दरिया कर मेरे नाम की तस्वीर दरिया कर और तेरा नाम भी दुनिया के आखरत के अंदर जमीन और आसमान के अंदर मैं कह दिया था ऐ जिब्राइल ए मेरा यार है और मेरा मुहिब है और मेरा महबूब है तू मेरा कर दे पूरी आसमान की दुनिया के अंदर दुनिया की कायनात के अंदर आसमान के अंदर ऐलान करते बंदे का आ नाम है अमली का ए नाम है बाप का ए नाम है दुनिया वाले सब को अल्लाह प्यार कर है उसी भी प्यार कर और तेरा नाम बनना बरकता वाला है अल्लाह मेरा नाम ते बुरा है लोग मेरों ते बुरे लफ्जा ना याद कर देने ओ फला बड़ा गुनाहगार है ओ फला बड़ा झूठा है ओ फला बड़ा मक्कार है ओ फला बड़ा गुनाहगार है अल्लाह मैं ते गुनाहगार पर आ गया मैं तेरी बारगाह के अंदर तेरा नाम बड़ी बरकत वाला है मेरा रब फरमान है अगर मेरे नाम का वजीफा नकारेगा तो मैं तेरा नाम भी अच्छा दावत फरमा दिया मैं कह रहा हूं ये मेरा दोस्त है और दुनिया वाले हो तुम्हें भी इतना प्यार कर आसमान वाले हो दुनिया पे मेरा दोस्त भी है फरमाया तो मेरा दोस्त है तो मैं तेरा दोस्त अजी जाने के नाम ही का बल बंदा कहते हैं सुभान अल्लाह रबी हमदी का ऐला तेरी जात पाक है तमाम तारीफें तेरे लिए है वतबारा कसमों का और तेरा नाम बड़ी बरकत वाला है वतआला जब्त का और तेरी शान बहुत और तेरी शान बहुत और तेरी शान बहुत बुलंद है ऐला तेरिया शाना बड़िया उचिया ने ऐला तेरी शान बहुत बुलंद है अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे और मेरे नाल यारी ला के देखते सही मेरे नाल प्यार करके देखते सही मेरे नाल मोहब्बत करके
मकान बुलंद करांगा, तेरा भी मकान बुलंद करांगा, तेनू भी इज्जत दे ताज अता फरमावांगा, तेरा भी नाम अच्छे लफ्ज़ां नाल लिया जाएगा और तेरी भी इज्जत कीती जाएगी, तेरा भी मकान बुलंद कर देंगा, क्योंकि बादशाह नाल यारी लाउण वाला भी बादशाह होगा। फरमाया तू मेरा हो जाओ आजरा तवज्जो फरमाओ। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा ने सूरज अचानक ठंडा हो गया, दोपहर का वक्त है, जोहर का वक्त है, अचानक धुप लगी हुई सी, लेकिन धुप के नाल ही अचानक बिल्कुल काला होना हो जाता है, बिल्कुल हनेरा छा जाता है, बिल्कुल जनाबे आ रही है, जिन्हें सूरज को ग्रहण लग गया, बिल्कुल काला हो गया, ठंडा हो जाता है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सूरज पर तवज्जो फरमाई, तवज्जो करो, मेरे नबी ने सूरज पर तवज्जो फरमाई, मेरे आका डर गए कि देखिया बंदा मंजर में नहीं, एक ही हो गया है, आप परेशान हो गए, अपने दिल वाली तार अपने मौला की बारगाह में फरमाई, दिल वाली तार रब की बारगाह के अंदर अर्ज की थी, या अल्लाह एक ही वजह है, जिब्राइल मिन हाजिर खिदमत हो गए, आगे बताते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया क्यों परेशान हो, अब बीती अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राइल बड़ी तेज धूप लगी सी, अचानक ठंडा हो गया, अचानक अंधेरा छा गया, सूरज बिल्कुल काला हो गया, इसकी कीमत है जिब्राइल अब तक ने या रसूल अल्लाह अदरत उम्र फरहत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे बह के सूरज वल तंग सी, बह के कोई अपना काम कर रहे सन, कम करदिया करदिया आपने महसूस किया कि लग सद पिया, धुप भरी कंध धुप वल सी, सूरज वल धुप अपनी कंध करके लंबे करते सन, पिंडा नंगा सी, जो सूरज दिया शुआं नंगे पिंड दे पैना आपको तकलीफ हुई, ऐसी करके गुस्से न सूरज वल देखिया तो सूरज ठंडा हो गया, गुस्से नाल सूरज वल देखिया तो सूरज ठंडा हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिया अगर उमरे फरमात सूरज को माफ करते हैं तो फिर धूप आ जाएगी। सरकार ए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे हजरत उमर फारूक ने फरमाया मक्कीनों ने सूरज नजर आ जाती है नहीं तो ऐसी गल नहीं हुई सूरज पर देखे फरमाया सूरज में ठंडा हो गया, फरमाया सूरज को माफ कर दे वरना के दुनिया का निजाम नहीं चल सकता। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए अपनी दीवार सुनना ऐसी तो कोई गल नहीं, बस धूप बड़ी तेज ही हो गई सी ते मैनू अजीब नहीं लगी, मेरे आका ने फरमाया तू राजी हो इना ते सूरज ठंडेगा, अगर तू नाराज है तो सूरज ठंडा रहेगा, अगर वो मेरे पर होता अरे ये शान है खिदमत कारों की तो सरदार का आलम क्या। फरमाया जब तू मेरा दोस्त बन जाएगा, अल्लाह ने फरमाया मेरा यार बन जाएगा, फिर उम्र फरीद हाथ नहीं खड़ते रुके दरिया का, आज तक दरियाए नील रुक गया, जमीन के तेल रुक गए थे, जमीन आखिर तेल वापस आ गए तो क्या तक जमीन तेल ही वापस करी जाएगा। मेरे दोस्तों एक कोई नबी नहीं के नबी के गुलाम में ये शान है खिदमतकारों की तो सरदार का आलम है। अल्लाह दुबार का आलम का मेरे बंदा कहता बताला चंदा पहला तेरी शान बहुत बुलंद है, अल्लाह फरमाता मेरे बंदे अगर तू मेरे नाल दोस्ती पक्की कर ले तो तेनू एक सोहनिया शाना अता कर दे, उस सूरत में शाना था ओ जिस शान तो शाना
सब बढ़िया बताला चुका और तेरी शान बहुत तेरी शान बहुत बुलंद अल्लाह कहना मैं नजारी ला मेरा होगा ऊपर तेन भी अच्छी दुनिया के अंदर बिलिया ने ना अल्लाह ने बिलिया भी दसवें सरकार रहमतुल्लाह अलैह उचिया शाना अल्लाह का फरमाया ने फरमाया जिन्ना जिन्ना ने मेरे नाल लाई है अल्लाह के दस किताब लिखिया गई अल्लाह के दोस्तों की जिंदगी का एक एक लम्हा लिखा गया भावे उन्होंने छुप के जिंदगी बिताई अल्लाह ने उन्होंने छुपे हुए पहलू दुनिया के सामने जाहिर कर छड़े उन्होंने इबादत उन्होंने रिहासत उन्होंने अच्छे अमल दुनिया के सामने कर छड़े क्यों अल्लाह के दोस्त ने अल्लाह उन्होंने दोस्त ने फरमाया तो मेरा दोस्त ना मैं तेन दुनिया के आखिर के अंदर इज्जत अल्लाह फरमा दे भला तेरे सिवा कोई इबादत के लायक फरमाया कायम हो जाओ ए पाबंद रहो दुनिया च भी कामयाब हो जाएगा आखिर च भी कामयाब हो जाएगा खर के कहना दी बार अंदर बंदा एक लाइन करता है बहुत लंबा मौजूद एक एक नमाज का नजमा एक एक नमाज की आयत का जवाब नमाज दे एक एक लफ्ज़ का तर्जमा अल्लाह की इज्जत की कसम बंदा पढ़े और मैं पता चल रहा है मैं अल्लाह को की कह रहा हूँ अल्लाह मैनू की कह रहा हूँ फरमाया जब दुआ के अल्लाह की बारगाह के अंदर नमाज वास्ते खड़ा हो जाने तेरे तेरा पते दरमियान तमाम पते हल जड़े ने और खत्म फरमा दिते जाने ने अल्लाह की बारगाह के अंदर तेन पेश फरमाया जाता है मलाइका कहने ने या अल्लाह मलाइका कहने ने इस बंदे को कहने ने ऐ नमाजी अगर तेरे पता चल जाए तो किसी बारगाह के अंदर खड़ा है अगर तेरे पता चल जाए तो किसी सामने खड़ा है अगर तेरे पता चल जाए किसी बारगाह के अंदर सजदा पिया करना है तेन कयामत आ जाए कभी सजदे तो सर ना उठाए तेन कयामत आ जाए कभी सलाम ना फेरे ऐ बंदा खुदा अजे जानना है सजदे पिया है ओ मालिक ओ खालिक ओ रब्बे कायनात ने तेरे ते अपने दरमियान चो सारे पर्दे उठा सुभान अल्लाह इन्नमा वलीयुकुम फरमाया बेशक ऐ दुनिया वाले हो अल्लाह भी तुहाडा दोस्त ते रसूल भी अच्छा दोस्तों की मुलाकात नमाजे पांच का नाम असि अदा करने जेडे खुश नसीब ने पांच बारी वो नमाज अदा करते हैं और रब के नाल मुलाकात करते हैं अल्लाह पाक के नाल गलबात करते हैं उनकी बारगाह च अपनी मुनाजात असि पेश करने ते अल्लाह सामने का जवाब भी देता है ते नाल मेरे दोस्तों की गल करो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे वास्ते फरमाया जिन्हों अल्लाह दोस्त बना दिता है तो वास्ते अपनी इबादत करनी आसान कर दिता वो अपनी इबादत करनी आसान कर दिता अल्लाह जिन्हों दोस्त बना दिता है ओदे वास्ते सदर करना सौखा हो जाता है ओदे वास्ते नमाज पढ़नी सौखी हो जाती है ओदे वास्ते नेकी करनी सौखी हो जाती है सूरह अल बकरा और आयत नंबर 45-46 फरमाया वस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह ईमान वाले सबर दे मदद को सबर और नमाज को मदद हासिल करो सबर करो ते नमाज करो मदद हासिल करो ये नहीं दसिया इस मामले च मदद हासिल करो फरमाया कोई काम नहीं होगा अल्लाह की रजा च हासिल है कि सबर करो ते नमाज पढ़ के अल्लाह को मदद मंगो रब्बे कायनात अपनी रहमत के दरवाजे तुम्हारे खोल खाशिरीन फरमाया एक काम बड़ा औखा है सबर करना बहुत मुश्किल काम है और नमाज पढ़ना भी बड़ा मुश्किल एडा सौखा काम किन्ना वास्ते सौखा है इल्ला अलल खाशिरीन मगर उन लोगों वास्ते जिन्हें अल्लाह को डरने वाले
जेड़े अल्लाह के दा बोलो ना जेड़े अल्लाह के दा डरन वाले ने जेड़े अल्लाह की नाराजगी को ना डरन वाले आज फरमाया अल्लज़ीन यज़ुम्मुहुम अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम फरमाया ओ लोग जेड़े यकीन रखदे ने ओ लोग जिन्ना दा यकीन कामिल है अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम जेड़े अपने रब नाल मुलाकात करन दा शौक रखदे ने सुभान अल्लाह अपने रब नाल मुलाकात करन दा बोलो ना अपने रब नाल मुलाकात करन दा शौक रखदे ने अल्लाह फरमाउंदा जेड़ा मैनू मिलना चाहुंदा मैं भी ओनू मिलना चाहुंदा जेड़ा मैनू मिलना चाहुंदा मैं भी ओनू बोलो ना अल्लाह कहिंदा मैं भी ओनू मिलना चाहुंदा ते जेड़ा मैनू नहीं मिलना चाहुंदा मैं भी ओनू क्यों क्यों मरना ते सारे एक ने मरना है ते इस नीयत नाल मरना है कि मैं अपने रब नाल मुलाकात एक ने मरना है इस नीयत नाल मरना है कि मैं अपने रब नाल मुलाकात करनी है ते एक ने मरना है उन्हें मरना नहीं उन्हें मारिया जाना है उन्हें मरना नहीं उन्हें मारिया जाना है एक हुंदा है जेड़ा हर दम तैयार है जेड़ा अल्लाह का दोस्त है जेड़ा अल्लाह नाल मुहब्बत करदा है ओ हर वक्त तैयार है कि अल्लाह किसे वक्त भी पैगाम भेज दे तेरा बंदा हर वक्त आ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए ना लैण वास्ते कह लगे जनाब तैयार हो जाओ मैं जनाब नूं लैण वास्ते आया यानी मौत देण वास्ते आया कह लगे जी कह लगे अल्लाह नूं जाके पुछो भला कोई दोस्त अपने दोस्त नूं मारदा है तू मैनूं मारन आ गए वापस चले गए या अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंज कह रहे ने अल्लाह ने फरमाया मेरे यार नूं समझ नहीं आई जाके कह दे एक यार दूसरे यार नूं बुलाए अपने कोल ओदी दावत करे ते कोई यार भला जान तो इनकार कर दे ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੂ ਫਰਮਾਇਆ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਫਰਮਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਯਜ਼ੁੰਨੂਨਾ ਅੰਨਹੁਮ ਮੁਲਾਕੂ ਰੱਬਿਹਿਮ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਯਜ਼ੁੰਨੂਨਾ أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون نماز پڑھنی سکھ ختم نہیں ہوئے گا جنہاں دا یقین ہوئے گا کہ ایک دن اللہ نال ملاقات کرنی ہے کہ ایک دن یہ دنیا چھڈ کے اساں سدا ایتھے ہمیشہ رہنا ایتھے ہم دنیا ہمیشہ رہنا तो मेरे दोस्तों ये ते अल्लाह नाल मुलाकात सी क्यों फरमाया तुहाडा अल्लाह भी दोस्त है ते अल्लाह दा रसूल भी तुहाडा दोस्त कुछ कह दे उस अच्छा हुजूर नाल मुलाकात करने की एक मुलाकात दा खास वक्त नेक लोगों ने सालेहीन ने दसिया है वो केड़ा वक्त है फरमाया आओ जरा कुरान को पूछिए अल्लाह का कुरान की इरशाद फरमाए सूरत शुआरा और 19वां सिपारा आयत करीमा नंबर 218 219 और 220 अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी यराका हीना तकू ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम क़याम करना भी नहीं थराए जब रब की बारगाह जाके नमाज वास्ते खड़े होंगे हो क़याम करते हो क़ादा रुकू करना हो क़ादे सजदे करना हो नमाज की हालत के अंदर अल्लाह तआला देख रहे होंगे वा ताक़ल्लुल बरवा फिस्साजिदीन ये बहुत बड़ी बात है तवज्जो फरमाओ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की
प्यारे नबी दौरा करते सन पूरे मदीने पाक दीयां गलियां दे अंदर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियां बाजारां दे अंदर मेरे नबी दस्त फरमाया करते सन दौरा करते सन कादे वास्ते मेरे नबी तलाश करते सन और वेखदे सन इन्हां घरां दे अंदर कोई तहज्जुदी नमाज अदा कर रहा है अल्लाह दी बारगाह दे अंदर केड़ा केड़ा मेरा उम्मती नमाजे तहज्जुद अदा कर रहा है अल्लाह फरमांदा सुनेहा तेरा क़याम करना तेरा रुकू करना तेरा सजदा करना तेरी इबादत करना भी तेरा रब तैनू वेखदा है ते जदों निकल के अपने गुलामां वल दौड़ा करदे हो तेरा रब वजों भी तैनू वेख रहा होंदा है फरमाया मेरे नबी इस वक्त भी दौरा फरमाते सन और रूहानी तौर पर अज भी साडा यकीन है अल्लाह के हबीब अपने मजारे पुर अनवार के अंदर जिंदा ने साडे नबी अज भी सारे बोलो ना साडे नबी अज भी जिंदा ने ते जे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदो तवज्जो करते सन जिन्हें नबी पाक का दीदार करना है तहज्जुद की नमाज शुरू जिन्हें हुजूर का दीदार करना है वो तहज्जुद की नमाज शुरू कर ले साडे वास्ते ने पांच पढ़नियां मुश्किल पर जिन्हें ने आसा च नाम लिखाना है हुजूर के आसा च नाम लिखाना है वो तहज्जुद की नमाज शुरू कर ले तहज्जुद की नमाज अदा करने वाले अल्लाह ने फरमाया सोनिया ये तेरे साथी है नमाज अदा करने वाले नबी पाक दे साथी ने नबी पाक तहज्जुद गुजार लोगों तवज्जो करते सन उन्होंने घर वाल उन्हों वाल मेरे नबी की नजरे रहमत करनी सी अज भी अपने घर हो चुके दो तहज्जुद की नमाज से कम अज कम किन्ने नफर दो जितनी तौफीक है तहज्जुद की नमाज अदा करके मदीने वाल मुड़ करके नबी पाक के गुरु दो सलाम पाठ ते नबी पाक की आज भी तेरे वाल निगाह करम हो जाए निगाह करम ऐसी होगी इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि साड़ी अख लग जाएगी हुजूर दा दीदार ते फिर कब्र दे अंदर जावांगे ते मेरे नबी दे पांव सीने लांगे हुजूर खुश होंगे ऐ मेरे गुलाम तेरियां इबादतां तेरियां रिहासां तेरे अच्छे अमल मेरी बारगाह च पेश हुंदे सन अज तू आ गया आ तेरा नबी ते सीने लांगे दिल खुश करा अल्लाह ने राजी हो जाएगा अल्लाह के रसूल भी राजी हो अल्लाह ताला सानू अपनी इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी आखिर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और नमाजे पांच गाना और नमाजे तहज्जुद और अल्लाह की रज़ा वाले